हाय फ्रेंड्स, टीएफ नॉलेज चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज हम बात करेंगे 10 ऐसे स्लैंग्स की जो आपने कई मूवीज में सुने होंगे। दोस्तों, स्लैंग्स क्या होते हैं? ऐसे शब्द या वाक्यांश होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ तो कुछ अलग होता है लेकिन उनका अर्थ कुछ अलग होता है। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ यूज करते हैं। मेरी सलाह है कि आप इसको ऑफिस में, कार्यालयों में यूज नहीं करें। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं आज आपके लिए मैं कौन से 10 ऐसे स्लैंग्स लाया हूँ जो आपको जानना जरूरी है। पहला, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, नेकर्ड। नेकर्ड मींस टायर्ड और एग्जॉस्टेड, मींस आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत काम किया है आपने, दिन भर काम किया या रात भर काम किया और आप थक चुके हैं, तो आप कह सकते हैं कि आई एम कम्प्लीटली नेकर्ड, मींस टायर्ड और एग्जॉस्टेड। तो दोस्तों, है ना कमाल का स्लैंग है नेकर्ड। आप कभी भी किसी दोस्त से मिले तो आप इसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दूसरे नंबर पे मैंने लिया है दोस्तों एक स्लैंग जिसका जो है कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर का मतलब दोस्तों इससे मतलब है कि कोई आपसे फ्रेंडशिप करने में विलिंगनेस नहीं दिखा रहा है, मीन्स वो आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता। जैसे कि आपके पास में बैठ के कोई जा रहा है बस में या फ्लाइट में और आप उसको बोल रहे हैं लेकिन वो बात नहीं करना चाह रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर मतलब दोस्ती नहीं करना चाहता है जानबूझ करके। ठीक है दोस्तों, थर्ड नंबर पे है ब्लू, फील ब्लू। फील ब्लू का मतलब सैड फीलिंग या डिप्रेस्ड, मीन्स आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो आपकी जो फीलिंग है उसे बोलेंगे फील ब्लू। मीन्स आप कह सकते हैं आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आपका कुछ काम नहीं बना, तो आप बोल सकते हैं कि टुडे आई एम फीलिंग ब्लू। तो फील ब्लू का मतलब हो गया सैड फीलिंग या डिप्रेस्ड। फोर्थ नंबर पे दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ काउच पोटैटो। काउच पोटैटो आजकल बहुत ही ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन में सब सोफे पे बैठ के दिन भर टीवी देखते रहते हैं, तो ऐसा फ्रेंड या ऐसा व्यक्ति जो दिन भर टीवी देखता रहता है सोफे पे बैठ के, उसको बोलते हैं काउच पोटैटो। काउच मतलब सोफा, तो काउच पोटैटो का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा टीवी देखता है सोफे पे बैठ के, तो जिसको मतलब लेजी भी बोल सकते हैं, उसको आलसी बोल सकते हैं काउच पोटैटो। काउच पोटैटो मतलब दिन भर टीवी देख रहा है। पांचवें नंबर पे दोस्तों आपके लिए हैं डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का मतलब है सिंपल और जो शो ऑफ नहीं करता है, मतलब जैसा आदमी है वैसा ही वो दिखाता है, मीन्स सादा जीवन, उच्च विचार वाला व्यक्ति। डाउन टू अर्थ, सिंपल, डजेंट शो ऑफ, मीन्स शो ऑफ नहीं करता, अपने आप को सिंपल रखता है, चाहे वो कितना भी। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत अमीर होते हैं लेकिन वो दिखाते नहीं है कभी भी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अमीर नहीं होते फिर भी अमीर बनने का शो ऑफ करते हैं, या कुछ और जैसे कि कोई ऑफिसर है, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, वो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं लोगों से, लेकिन एक छोटी रैंक वाले आदमी से आप बात करोगे तो वो बहुत शो ऑफ करेगा, बहुत ज़्यादा ऐसा ऑर्डर वाली भाषा बात में, आदेश वाली भाषा में का इस्तेमाल करेगा। तो मीन्स डाउन टू अर्थ का मतलब है कि जिसके पास बहुत कुछ है लेकिन वो दिखा नहीं रहा, शो ऑफ नहीं कर रहा, सिंपल बना हुआ है, डाउन टू अर्थ। नेक्स्ट है दोस्तों थर्ड नंबर पे वाजोक। वाजोक का मतलब अनोइंग और ईडियट आदमी, जो मतलब ऐसा दोस्त है जो आपको अनोई करता है बार बार, जो फालतू की फिजूल की बात करता है, बेहूदी बातें करता है, दैट इज कॉल्ड वाजोक। तो आप कह सकते हैं आपका दोस्त कोई ऐसा ही जो आपको अनोई करता है, तो बोल सकते हैं कि माई फ्रेंड इज सच ए वाजोक। वाजोक मतलब ईडियट और अनोइंग। आइए दोस्तों सात नंबर पे चलते हैं। सात नंबर पे है आपके लिए कोली ओबल्स। कोली ओबल्स का मतलब है नर्वस फीलिंग। दोस्तों कोली ओबल्स ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे आप इंटरव्यू में जा रहे हैं और इंटरव्यू से पहले आपको पेट में कुछ फीलिंग्स होती है, कुछ ऐसा फील होता है आपको, नर्वसनेस फील होती है, डर सा, हल्का सा डर सा, और थोड़ा हाथ कांपने लगते हैं, तो इस तरह की जो फीलिंग्स होती है उसको बोलते हैं कोली ओबल्स। या आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब भी आपको ऐसी फीलिंग आती है कोली ओबल्स जैसी, या फिर आपका रिजल्ट आने वाला होता है तो उसको बोलते हैं नर्वस फीलिंग, मतलब कोली ओबल्स। नेक्स्ट है दोस्तों आपके लिए मिंटेड। बहुत अच्छा स्लैंग है दोस्तों मिंटेड, मतलब टू मेक मनी, मतलब आप पैसा छाप रहे हैं, पैसा छापना हिंदी में, सिंपल भाषा में इसको ऐसे बोल सकते हैं पैसा छापना, मतलब कोई बहुत जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो कह सकते हैं ही इज़ मिंटिंग मनी, मतलब बहुत ही तेज़ी से पैसा कमाना, मिंटेड मीन्स टू मेक मनी। नेक्स्ट है दोस्तों आपके लिए गोट। गोट स्टैंड्स फॉर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो दोस्तों ये स्लैंग्स यूज होते हैं मूवीज वगैरह में थोड़ा सा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए और थोड़ा मतलब ऐसा सोचने पे मजबूर करने के लिए कि ये क्या बोला है। तो गॉट का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपके लिए
लास्ट वन TBH मीन्स टू बी होनेस्ट, मतलब किसी से आप ईमानदारी से जवाब मांगना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं TBH मीन्स टू बी होनेस्ट, ईमानदारी से। तो देखिए दोस्तों, हमने कितना जल्दी से 10 स्लैंग्स सीख ले हैं और वन बाय वन हमने उनका अर्थ भी जान लिया है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा और आप याद करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके भी इनको याद कर सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम पर। और दोस्तों, आपको काम पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।